लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मुझे केवल इतना शक था कि इंफेक्शन है। हम लोग यहाँ के काफी सारे हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ कहा कि 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का ट्रीटमेंट होगा। 11 दिन था, हम लोग रात में 11 बजे इमरजेंसी के द्वार पर अपनी बेहोश बच्ची को लेकर आए और वहाँ पर एक नहीं, आपकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो भी AML जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब मैंने ये सुना तो डायरेक्टर साहब, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, फैकल्टी मेंबर्स, एनजीओ तो यहाँ पर हैं तथा कैंसर सर्वाइवर बच्चे तथा उनके अभिभावक, मैं यहाँ पर कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इस अवसर पर, आज जो चाइल्डहुड कैंसर डे है, उस दिन पर जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कैंसर सर्वाइवर्स को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा अपने पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग की डॉक्टर रचना सेठ, जो कि एनजीओस की मदद से विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पाल के नेतृत्व में एक बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूं डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोफेसर एन सी मिश्रा कि वो आएँ और सभी को प्रोत्साहित करें और सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। डीन प्रोफेसर बलराम एरल, डॉक्टर डी के शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स हॉस्पिटल, प्रोफेसर वी के पॉल HOD पीडियाट्रिक्स, श्रीनिवास जी हमारे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी हमारे फैकल्टी मेंबर्स पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी से डॉक्टर बख्शी, डॉक्टर अग्रवाल और सामने हमारी बहुत चहेती कैन किड्स, CPAA, इंडियन कैंसर सोसाइटी, सेंट जूड के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे और उनके अभिभावक जो यहाँ पे आए हैं, उनका बहुत मैं स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ सबको। हमारी नर्सेज जो यहाँ पे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं, मैं उनका भी बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बाकी सभी लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, ये बहुत सराहनीय बात है। और ये वर्ष प्रतिवर्ष जो ये कैंसर, बच्चों के कैंसर के विषय में ये जो आयोजन होता है, ये अपने में एक अनूठा होता है। जैसे आप सभी ने देखा, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, कुछ कलाकृतियां बनाई हैं अपने हाथों से, और इसके अलावा बलून छोड़ते हैं बच्चे, और बच्चों में जितना पोटेंशियल होता है ये माँ बाप को ही पता होता है, और शायद माँ बाप को भी कई बार नहीं पता होता कि बच्चों में कितना पोटेंशियल है और उनको कितना आप शेप अगर अच्छे दे दें तो बच्चे क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। ये केवल कल्पना की बात है, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस मौके पे यही कहूँगा कि पिछले वर्ष कुछ मुद्दे हमारे बहनों ने यहाँ पे उठाए थे और उनमें से कुछ बातें पूरी हुई, कुछ बातें पूरी नहीं हुई। अब पिछले हफ्ते डॉक्टर पॉल ये मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भाई आप डॉक्टर पॉल के पास जाइए, मेरे पास क्यों आए, आप डॉक्टर बख्शी के पास जाइए, डॉक्टर रचना के पास जाइए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ समस्या है तो वो मेरे पास आए, हम उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों की तरफ से जो भी मुद्दे हैं वो बिल्कुल आप रखें, और हमारे चिकित्सा अधीक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने भी आप रखें।
ये बात भारत में जरूर है। देखिए, ये सबको पता है कि हमारे यहाँ कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज नहीं है कि हर परिवार अपनी हेल्थ के लिए कुछ एक्स अमाउंट पे करता हो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ऐसा है नहीं। तो लोग या तो सरकारी मदद पर निर्भर करते हैं या फिर एनजीओस की मदद पर निर्भर करते हैं। और जो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इसकी बात नहीं है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को जो संस्थान को एक सीमित बजट आवंटन होता है सरकार से, और हमें जैसे तनख्वाह मेरे को मिलती है तो घर में मैं उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, करूँगा तो मुझे उधार लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, और जो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसमें जो आप लोगों का जो सहयोग है, इंडियन कैंसर सोसाइटी का, कैन किड्स का, सेंट जीव्स जुड़ गए हैं अब, और CPA, तो मैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सबको पता है कि आज ट्रीटमेंट तो है लेकिन उसकी एक कीमत भी है, और उसको आप लोग जो उसमें योगदान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी परिवारों के लिए जो उतना महंगा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन उसकी उसके फ़ायदा ये हुआ है कि अब बहुत ज़्यादा बच्चे क्योर हो जाएंगे और उनको शायद फिर इलाज की कोई आवश्यकता आगे जाके नहीं पड़ेगी, बहुत कम बच्चों को पड़ेगी। और तो मैं यही आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मेरे हमारे लेवल पे हमारे डीन साहब भी हैं यहाँ पे, MS हैं, मैं हूँ, DDA हैं, तो हम लोगों से जो भी सामने आएगा और जो जिसका हल हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और जो बात लेकिन हमको डॉक्टर बख्शी, डॉक्टर रचना, डॉक्टर कौल बताएं कि क्या चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसको हम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बार DK शर्मा साहब बजट मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है इनको, अभी एंड ऑफ द ईयर आ गई है, हैं हम लोग फरवरी में चल रहे हैं, 31 मार्च तक जो पैसे 31 मार्च तक के लिए चाहिए थे वो नवंबर में ही ख़त्म हो गए, अक्टूबर में ही ख़त्म हो गए, तो ये समस्याएं ज़रूर आती हैं हम लोगों के पास आज भी, और इसीलिए NGOs की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसको सपोर्ट करने के लिए। उसमें हम लोग भी कभी कभी छोटा मोटा योगदान दे देते हैं और देना चाहिए सभी लोगों को, इसमें मैं समझता हूँ जो भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये किटी जितनी बड़ी हो जाएगी उतनी ही मदद ज़्यादा लोगों की हो सकती है उससे। और इसके लिए मैं आप सभी अभिभावकों को भी कहूँगा, आप 100 रुपये दे सकते हैं 100 दीजिए, 1000 दे सकते हैं 1000 दीजिए, आप 50 दे सकते हैं 50 दीजिए, बट सबका योगदान अगर होगा तो वो, और मैं समझता हूँ आप 100 भी देगा कोई तो आप मना नहीं करेंगे, उसको रसीद देंगे और लेंगे। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इसमें अपना जितना अपने क्षमता के अनुसार, जिनका इलाज हो गया है वो भी बहुत तरह से मदद कर सकते हैं इन संस्थाओं की, जिससे और इसमें लोग जुड़े और लोगों को लाभान्वित हों। और इसी के साथ मैं डॉक्टर पॉल से अनुरोध करूंगा कि आगे का जो कार्यक्रम है उसको किया जाए, सभी लोग सुनने के लिए बेचैन हैं, और फिर सभी बच्चे और सभी लोग अपने लिए सबके लिए यहाँ पर खूब ज़ोर से तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू सर। अब हम अपनी पैनल वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। मैं सारे पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर मधुलिका कापरा मैम, उससे पहले एक बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, लेड बाय आर डायरेक्टर साहब, आर DDA, आर डीन, MS, सबका एक बार धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद कैसे करेंगे हम, ताली बजा के, थैंक यू वेरी मच। और एक बात तो पक्की है जो आपके सामने आ रही है कि हमारा सारा संस्थान के डॉक्टर, नर्सेस और सारा एडमिनिस्ट्रेशन आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू डॉक्टर बलराम, डॉक्टर शर्मा, DDA श्रीनिवास जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अपने पैनल डिस्कशन की तैयारी में है, और जब तक ये स्टेज सेट हो रहा है मैं बताना चाहूँगा कि मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर संदीप आइए, स्वागत करिए डॉक्टर संदीप का, हमारे प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी है, वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर संदीप। आई इनवाइट डॉक्टर समीर बख्शी, प्रोफेसर है हमारे IRCH में, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर बख्शी प्लीज बिग हैंड। आई इनवाइट डॉक्टर सुष्मिता पाती, हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में है, डॉक्टर सुष्मिता मेरा योग,
Sushmita, hi, welcome, welcome. I invite Dr. Manoj Sharma. So Manoj Sharma ji. Hi sir, very warm welcome. आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हैं, बट इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर वंस अगेन. डॉक्टर जगदीश मीना को आपने देखा है, वो भी आ रहे हैं. हमारे नए फैकल्टी हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के डिवीशन में, हमारे डिपार्टमेंट में. वेलकम डॉक्टर मीना, आइए. डॉक्टर मधुलिका है हमारी, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, जेनेटिक्स की स्पेशलिस्ट हैं, टॉप जेनेटिक्स की स्पेशलिस्ट हैं हमारे कंट्री की, डॉक्टर मधुलिका काबरा. प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मधुलिका काबरा. डॉक्टर भावना फ्रॉम आरपी सेंटर, हाय वेलकम. ये स्पेशल केयर करती हैं रेटिनोब्लास्टोमा के केसेस की, आई डिपार्टमेंट में है हमारे आरपी सेंटर में. प्लीज वेलकम, बिग हैंड. एंड डॉक्टर सविता सप्रा है हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज कम डॉक्टर सविता. ये साइकोसोशल सपोर्ट पहुंचाते हैं, इनका वेरी वेरी वार्म वेलकम. Dr. Rachna, of course, team leader from our department. Very warm welcome to Rachna. Are we all set? Okay, तो आज हमने आपके समक्ष हमारे इंस्टीट्यूट के जो पूरी लीडरशिप है पीडियाट्रिक कैंसर की, उनको हमने इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करके आपके सामने किया है. और पर्पज़ यह है कि आपको आज जो सवाल हैं आपके, उनका पूरा जवाब मिले. आज कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका कि आपको जवाब हमारी तरफ से नहीं मिलेगा. और जब तक ये सवाल पूरे नहीं होते, हम घर नहीं जा रहे, अब यहीं बैठे हैं हम सब के सब, जब तक आपके हर सवाल का जवाब नहीं मिलता. अब इस प्रक्रिया को मैं शुरू करता हूँ. अच्छा, आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आपने जो सवाल है वो आपको लिख के देने होंगे, बोलना नहीं है. इससे बहुत वक्त बचता है और सवाल स्पेसिफिक होता है तो मुझे सवाल पूछने में आसानी होती है. कमरे में, इस हॉल में आपके पास कुछ वॉलंटियर्स होंगे, वो पर्ची देंगे आपको, उस पर लिखिएगा और वो कभी भी आप भेजना शुरू कर सकते हैं. पर थोड़ा सा सुन लीजिए, हो सकता है कि उन सवालों के जवाब ऑलरेडी आपको मिलते जाएंगे. तो कैन आई स्टार्ट डॉक्टर रचना विद क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट डॉक्टर रचना, मेरा पहला सवाल है आपसे, एक बड़ा साधारण कॉमन सेंस सवाल है कि आपका मेन मैसेज ये आप कह चुके हैं, हम सबने भी कहा है कि चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल है, पर जो मेन टाइप्स हैं कैंसर की उसके बारे में हमें बताइए, उनके नाम जरा बताइए, थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो, फिर डिस्कशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर अच्छा, बच्चों में जो कैंसर है, बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे, पेरेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे, मीडिया प्लीज वेलकम. ओके, ओवर टू यू. बच्चों में जो कैंसर है वो मुख्यतः ब्लड कैंसर, जो ल्यूकीमिया कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. उसके बाद गिल्टी का ट्यूमर होता है जिसे लिम्फोमा कहते हैं. ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं कई तरह के, या फिर आँख का ट्यूमर जिसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं. कभी पेट के ट्यूमर्स होते हैं जिसे विम्स ट्यूमर हो सकता है, गुर्दे का ट्यूमर है, न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है, लिवर का, जिगर का ट्यूमर हो सकता है, हेपेटोब्लास्टोमा. यही मुख्य तौर के बाल रोग में होने वाले कैंसर्स हैं. ओके, थैंक यू. हम स्पेसिफिक आंसर दे रहे हैं अभी, क्योंकि सबको हम टाइम बाउंड मौका दे रहे हैं. जो सवाल का जवाब नहीं होगा वो आप पूछेंगे आप, और हम उसको डिटेल में भी जवाब देंगे. डॉक्टर समीर बख्शी, मैं जानना चाहूँगा कि इन कैंसर का इलाज कि मेन फॉर्मेट क्या 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 हम इलाज करते हैं, और बाद में हम मूव करेंगे डॉक्टर संदीप की तरफ की भी सर्जिकल पार्ट के. तो मेडिकल पार्ट जो है चाइल्डहुड कैंसर्स में, वो दवाइयाँ हैं और क्या क्या है, जरा उसके बारे में हमें बताइए ब्रॉडली. तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो है बच्चों में बेसिकली तीन तरीक़ों से किया जाता है. एक तो कीमोथेरेपी, जो कैंसर शरीर में कहीं भी हो उसको मारता है. सेकंड, जो लोकल ट्यूमर है, जो एक ही ऑर्गन में ट्यूमर है, एक ही साइट पर ट्यूमर है, उसको या तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी के माध्यम से उसको मारा जाता है. तो ये तीन माध्यम हैं प्राइमरीली. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप. सर्जरी जो है चाइल्डहुड कैंसर में कहाँ काम आती है और ये कितनी सक्सेसफुल मान सकते हैं? जी, जैसे डॉक्टर रचना ने और डॉक्टर समीर ने बताया कि कई सारे कैंसर बच्चों में जो होते हैं, जो ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं, जैसे किडनी में कैंसर हुआ, जिगर में कैंसर हुआ, या
किडनी में, गुर्दे में कैंसर हुआ, ऐसे कई ऑर्गन्स में कैंसर होते हैं। इन सब कैंसर्स के लिए जो लोकल ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया, कीमोथेरेपी के अलावा सर्जरी होती है, तो कई सारे कैंसर्स के लिए सर्जरी आवश्यक होती है। कीमोथेरेपी देने के बावजूद भी इनकी सर्जरी करके निकालना पड़ता है। ज़्यादातर इन कैंसर्स को सर्जरी करके निकाला जा सकता है, या तो कीमोथेरेपी से पहले या कीमोथेरेपी के बावजूद, इनके बाद, और ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। जैसे गुर्दे है, कैंसर है, इसमें 90-95% सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है। तो सर्जरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड ट्यूमर ट्रीटमेंट। बट जब लोकलाइज ट्यूमर है उसको निकालो, और जो रह जाए फिर बाकी ट्रीटमेंट से उसको ठीक करो। डॉक्टर समीर, ये कहा जाता है कि कैंसर का जो सर्वाइवल है, ट्रीटमेंट है, वो सक्सेसफुल इंक्रीजिंगली बेटर होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्यों हम कह रहे हैं कि आज जो आउटकम है हमारा वो आज से 15 साल पहले से बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या उम्मीद हमारी बन रही है? तो इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि कैंसर में कीमोथेरेपी जो है, फॉर्चुनेटली बच्चों में इफेक्टिव है, और नए नए ड्रग्स आ रहे हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबको मिलके काम करना। विदेश में जो कैंसर का ट्रीटमेंट में जो बेटरमेंट आई, जो इम्प्रूवमेंट आया, वो इसलिए हुआ कि 10, 20, 50, 100 सेंटर ने मिलके कैंसर एक साथ ट्रीट किया, और उन्होंने आंसर पाया कि हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते। हमारे देश में भी हमने एक ग्रुप बना लिया है जिसको हम कहते हैं इंडियन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी ग्रुप। उसमें अब हमारा प्रयास ये है कि इंडिया में सारे सेंटर एक साथ मिलके एक ही प्रकार का ट्रीटमेंट दें, और उससे जो हमें आंसर मिले वो बाकी बच्चों पर और अच्छे से उसको हम प्रयोग कर सकें। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ बच्चों में। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर से मतलब है इन्फेक्शन, जो कैंसर के ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम आती हैं उनको डील करने का जो तरीका है वो भी ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ है। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिस कारण से इम्प्रूवमेंट आई। तो आगे और भी इन चीज़ों में हमें शोध से नए रास्ते मिलेंगे और भी अच्छा होगा, यही मैं सुन रहा हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुष्मिता। रेडिएशन किस किस कैंसर में काम आता है? चाइल्डहुड कैंसर में, जहाँ पे कि उसके मेन स्टे ऑफ थेरेपी बन जाता है, और सेकेंडली इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसकी बड़ी वरी रहती है सब फैमिलीज को कि रेडिएशन थेरेपी कराते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में कुछ आप चर्चा करें ब्रीफली प्लीज। रेडियोथेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कैंसर के इलाज में बच्चों में, और इसको हम गामा रेज या पार्टिकल चार्जेस, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थेरेपी से करते हैं। आधुनिक टेक्निक्स जो हैं रेडियोथेरेपी के, जिसमें हम ट्यूमर के आकार को रेडिएशन देते हैं, जिसको हम कन्फॉर्मल थेरेपी कहते हैं, इसे हम ज़्यादातर ज़्यादा डोज ट्यूमर को देते हैं, और उसके साथ में जो नॉर्मल टिश्यू है उसके हम बचाव करते हैं। जो अब साइड इफ़ेक्ट्स है, दैट इज़ बिकॉज जो हम रेडिएशन नॉर्मल टिश्यू को जाती है उसकी वजह से आती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे लिए एक चुनौती है कि हम डोज किस तरह ट्यूमर को दें और नॉर्मल टिश्यू को बचाएं। इसकी कई उपाय है बचाने के लिए, जैसे अगर हम ट्यूमर डोज को छोटे छोटे हिस्सों में, डेली फ्रैक्शंस में और दें, तो उसमें जो टिश्यू रिपेयर होती है वो नॉर्मल टिश्यू की हो जाती है, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल हैं और ठीक हो जाते हैं। जो कैंसर सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, वन ऑफ द रीजंस अलॉन्ग विद व्हाट आई एग्री विद डॉक्टर बख्शी इज़ दैट टेक्निक, जो हमारे रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स है उसमें फ्यू डेकेड्स में बहुत सारे परिवर्तन पाया गया है। जैसे हम कन्फॉर्मल थेरेपी कहते हैं, जिसको हम इमेजिंग करके ट्यूमर को एक प्रकार से हम मैपिंग करके सिर्फ उसी एरिया को इलाज करते हैं, इससे जो है रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक्यूट और लेट दोनों में बहुत कम फिगर्स पाए गए हैं कंपेयर टू जो पहले हुआ करते थे। तो जैसे पहले डर रहता था रेडिएशन का, आज के ज़माने में वो डर नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने की टेक्निक्स काफ़ी आधुनिक हो गई हैं, अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, और साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए। और रेडिएशन का जो रोल, हाँ जी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई, और रेडिएशन का रोल सर्जरी के साथ, कीमोथेरेपी के साथ एज एन एडजुवेंट है, ताकि उसके साथ ही इलाज पूरा होता है, क्योंकि कोई भी इलाज अकेला एक मोडालिटी से होती नहीं है,
दूसरी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैलिएशन में है, जो कि एडवांस स्टेजेस में भी बीमारी को काबू में रखने में काम आता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बख्शी। जब इलाज हो जाता है तो क्या, क्योंकि रेडिएशन भी शायद कैंसर कर सकती है, हम पढ़ते हैं ऐसे, या और भी कोई चीज़ें कैंसर के ट्रीटमेंट का हिस्सा बनती हैं, तो क्या ये दोबारा भी कैंसर होता है एडल्टहुड में? एक बार ही ठीक होने के बाद में चाइल्डहुड कैंसर, उसका भी कोई रिस्क रहता है? एक सवाल ये फैमिली कभी कभी हमसे पूछती हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? तो कैंसर के वापस आने का समय कैंसर के टाइप से वेरी करता है। कई कैंसर ऐसे हैं जो साल डेढ़ साल बीत जाए कैंसर का ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद, तो वापस आने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। जैसे कि एक कैंसर है लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा जिसको कहते हैं, साल भर में अगर वापस नहीं आया तो वो नहीं आएगा। कई कैंसर हैं, आमतौर पे हम कैंसर क्योर जब बोलते हैं, कैंसर क्योर हो गया तो मानते हैं कि अगर 5 साल तक कैंसर नहीं आया वापस तो उसको हम मानते हैं कि कैंसर क्योर हो गया। लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज रहती है, जिस परसेंटेज को मैं समझता हूँ कि एक आम कैंसर सर्वाइवर को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेकरेंस, लेट रेकरेंस वो इतनी रेयर है कि वो एक जिसको कैंसर नहीं है उसमें भी कैंसर होता है टाइम के साथ, तो उसको बहुत महत्व और बहुत टेंशन के साथ नहीं डील करना चाहिए। 5 साल बीत गए तो समझो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर मीना। ये आमतौर पे ड्यूरेशन क्या है वेरियस इंपॉर्टेंट जो कैंसर्स हैं, कॉमन कैंसर्स हैं, इनका इलाज जो है 3-4 कैंसर का नाम लेकर बताइए कि आज अगर डायग्नोज करते हैं हम और सब कुछ ठीक चले, सब कुछ अवेलेबल है, तो कितना कितना वक्त लगता है उसके बारे में जरा सूचना दीजिए। कैंसर के इलाज का टाइम डिपेंड निर्भर करता है कि कौन से तरह का कैंसर है और सॉलिड ट्यूमर में निर्भर करता है स्टेज कौन। थोड़ा सा माइक में बोलेंगे प्लीज। ब्लड कैंसर मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं, एक होता है ALL होता है, दूसरा AML। ALL में टाइम लगता है 2 से 2.5 साल और AML में लगता है लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं। जो गिल्टी हुआ कैंसर होता है हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, इन दोनों में टाइम लगभग 6 से 10 महीने लगते हैं। जो आंख का कैंसर होता है जिसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, उसमें आमतौर पर टाइम लगता है 6 से 12 महीने लगते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा होता है उसमें लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। एक हड्डियों का कैंसर होता है जिसको हम पीनेट बोलते हैं, उसमें लगभग 1 साल का टाइम लगता है। और जो कैंसर होता है जेएमएम में, उसमें लगभग 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। डॉक्टर रचना, इससे कई बार ये महसूस होता है कि ये 6 महीने 8 महीने 1.5 साल जो कहा जा रहा है, कि क्या हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि शुरू की फेज अलग होती है, फिर फॉलोअप कर सकते हैं आप, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि अस्पताल में रहना जो है वो कितना लगभग लाजमी होता है, और फिर बार बार फॉलोअप में आके इलाज करवाना होता है, उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे आप? जी हाँ, जैसा पहले अभी आप चर्चा में सुन रहे हैं कि अलग अलग कैंसर का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है इलाज के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ तक हो सके हम बच्चे को एडमिट ना करें और डे केयर फैसिलिटी के द्वारा ट्रीटमेंट प्रदान करें, क्योंकि हमें पता है कि जब कैंसर का दवाइयाँ दी हैं हमने तो उसकी अपनी क्षमता इन्फेक्शन से लड़ने की बहुत कम हो जाती है, तो हम उसे अस्पताल के इन्फेक्शियस वातावरण से जितना हो सके दूर रखना चाहते हैं, तो हम बुलाते हैं, दवाइयाँ दे के आपको घर भेज देते हैं। बट यदि कोई ऐसी दवाई है जिससे हम सोच रहे हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है, या कोई 24 घंटे की दवाई है, या हम सोच रहे हैं कि उसे उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हमें कोई चीज़ें का आपका पल्स देखना है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके पेशाब की मात्रा है, कुछ और भी देखना है, तो हम उन स्थितियों में आपको एडमिट करके दवाइयाँ देते हैं। बट जहाँ तक हो सकता है हमारी प्रक्रिया यही रहती है कि हम आपको डे केयर फैसिलिटी के द्वारा ही आपका इलाज करें, और इसीलिए हमारा आप जैसे हमारे घर इलाज कराते हैं कि हम लोग का आपका आपका बहुत बहुत डिपेंडेंट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है हमारी डे केयर फैसिलिटी। एक तरह से सोचा जाए तो ये जो ड्यूरेशन की बात है उसको एक पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बच्चे को हम या बड़े को भी एक टीबी डायग्नोज हो गया, तो आजकल जो टीबी का इलाज है कम से कम 6 महीने का, 9 का भी देना पड़ता है, उस परिपेक्ष में भी देखते हैं। HIV की ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अगर आप और कोई डिजीज है, अस्थमा बार बार उम्र भर ही चलता रहता है, और भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ का इलाज, अगर हम इंसुलिन शुरू हो जाती है बचपन में हो गया तो लाइफ लॉन्ग इलाज है। अगर हम इस तरह से देखें तो एक तरह से आपको तसल्ली होनी चाहिए
कि कैंसर का इलाज अच्छी तरह से अटैक करके किया जाता है, शुरू में अस्पताल में किया जाता है, बाद में बुला बुला के डे केयर में फैसिलिटी में या रेडिएशन के सेशंस के साथ किया जाता है, लेकिन एक दिन आता है जिसमें सब इलाज जो है आपका पूरा हो जाता है। तो इसको इसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम सब इसमें जुट जाएंगे। इस मौके पर मैं डॉक्टर मनोज आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो 15 फरवरी का कैसे थोड़ा सा गेयर चेंज करते हैं, इस तरफ आते हैं हम इकट्ठे हुए हैं, 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कहा गया है और भी कई दिन हम मनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए, क्योंकि अगर हमने सब कुछ सब इकट्ठे होके अवेयरनेस बढ़ानी है, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमने कोशिश करनी है, तो इन मौक़ों को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर, मैं डॉक्टर रचना को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरा एक सजेशन लिया कि 15 फरवरी और 14 नवंबर बाल दिवस पे जब सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, उस समय भी हमें बच्चों में होने वाली तकलीफ़ों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे राष्ट्र में लोग बड़ी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। आज काफ़ी अवेयरनेस की गई, कल बहुत ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो हमने एक पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय कैंसर कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसमें हर महीने कोई एक तारीख आती है जिसके द्वारा हम कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास करते हैं। बच्चों के कैंसर के बारे में आपने सुना, फिर जब लड़की होती है छोटी उसमें भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, उसके लिए गायनेकोलॉजिकल कैंसर डे अगले महीने 11 मार्च को है। फिर बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस दिन है जो कि 31 मई को हुआ होता है। इसी प्रकार से आज हमारे सामने एक नई समस्या हो गई है, जो HIV के मरीज हैं उनके बच्चों में भी इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं जिनमें इन्फेक्शन, तो HIV डे पे हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की तरफ आकर्षित करें। प्रश्न ये है कि हम जितनी जानकारी करेंगे, जितना प्रचार करेंगे, उतना ही लोग कैंसर को जल्दी पकड़ पाएंगे और उनका समय अनुसार उपचार संभव हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। अब एक तरफ मुड़ते हैं कि क्या कैंसर जेनेटिक डिजीज़ है। डॉक्टर मधुलिका, आप हम बताएंगे कि क्या कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है या कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें कि फैमिली में होने का चांस बढ़ता है, उसके बारे में बताइए हमें। थैंक यू सर। और ये सवाल जो आगे हैं डॉक्टर फानी, आप इनको दे दीजिए, तो बीच में पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सवालों का जवाब देने में पूरे उत्सुक हैं, हमारे पैनल भी इसी का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर मधुलिका, तो ऐसा है कि हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस है जो बाहर और इंडिया में रिसर्च के बाद पता चला है कि कुछ कैंसर अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक मतलब परिवार में चलने वाले होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि क्लियरली हमें लगभग 5% कैंसर्स के बारे में मालूम है कि वो अनुवांशिक होते हैं, और उसके लिए जो एविडेंस अवेलेबल है वो इस तरह की है कि हम पक्की तरह से बोल सकते हैं कि वो अनुवांशिक है। और दूसरी बात यह है कि अनुवांशिक कैंसर अधिकतर बड़े लोगों में होते हैं, बच्चों में अनुवांशिक कैंसर्स की जो प्रपोर्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे को कैंसर है किसी तरह का, तो आप मन में ये धारणा ना बना लें कि ये अनुवांशिक है और अगले बच्चे में आएगा ही आएगा। इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंसर्स में ये कुछ अनुभव है लोगों का कि ऐसा है कि शायद अनुवांशिकता कुछ रोल प्ले कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक फैमिली है उसमें 2 लोगों को या 3 लोगों को कहीं अलग अलग कैंसर भी है, तो जेनेटिक्स का कुछ ना कुछ रोल है, पर जैसा मैंने कहा सिर्फ 5% में हम बिल्कुल श्योर हैं कि वो हेरिडिटरी होते हैं। तो बच्चों में जो कॉमन कैंसर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया, जो जैसे ALL है और AML है, इसमें अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये अनुवांशिक होते हैं। बस सिर्फ ये माना गया है कि अगर एक बच्चे में ये बीमारी आई है तो अगले बच्चे में जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम इससे प्रिडिक्ट कर लें कि अगले बच्चे में कैंसर आएगा या नहीं आएगा, पर मोटे तौर पर अगले बच्चे में होने का रिस्क कम होता है। कुछ कैंसर हैं जो बच्चों में होते, जैसे आपने सुना रेटिनोब्लास्टोमा जो आँख का कैंसर है, उसमें एक विशेष तरह का कैंसर जब दोनों आँखों में हो और परिवार में हिस्ट्री हो तो उसका क्लियर अनुवांशिक पैटर्न होता है जिसके बारे में बताया जा सकता है, और कुछ टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं जिनके माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विल्म्स ट्यूमर जो भी एक बच्चों का ट्यूमर है, न्यूरोब्लास्टोमा, उसमें भी कुछ एविडेंस है कि वो अनुवांशिक हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा एविडेंस है रेटिनोब्लास्टोमा आपके ट्यूमर में कि उसमें अनुवांशिकता और जेनेटिक्स एक मेजर रोल प्ले। तो उसी पे अगला सवाल हम डॉक्टर सुष्मिता से पूछते हैं
कि सॉरी डॉक्टर भावना से पूछते हैं। डॉक्टर भावना, ये जो रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर है जिसके आप एक्सपर्ट हो और बहुत मेहनत करते हैं आप इसमें, उसके बारे में ये बताइए कि क्यों होता है, क्या हम ये जानते हैं जेनेटिक्स है, कैसा इलाज संभव है, कितनी उम्मीद हम ले सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। सर एक्चुअली रेटिनोब्लास्टोमा इस वजह से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अगर अपने आंकड़े देखें अपने क्लिनिक के और अपने सेंटर के, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 1000 बच्चे हर साल रेटिनोब्लास्टोमा से पीड़ित हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन बच्चों को जो है वो थोड़ा स्पेशल तरीके से इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि ये बच्चे जो हैं एक तिहाई केसेस में ये दोनों आँखों को प्रभावित करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर मधुलिका ने बताया, इसका जेनेटिक बेसिस होता है, तो ये हेरिडिटरी भी हो सकते हैं, फैमिलीज में भी रन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में ये है कि अगर ये जल्दी पकड़ा जाए तो इसका इलाज 100% संभव है। दोबारा कहिए इस बात को। जी हाँ, से बोलिए। ये हाँ, दोबारा मैं कह रही हूँ, आई होप सब लोग ये बात सुन रहे हो अच्छी तरह से, कि रेटिनोब्लास्टोमा अगर जल्दी पकड़ा जाए तो इसका इलाज 100% संभव है। 100% से मेरा मतलब सिर्फ जान बचाने से नहीं है, बल्कि आंख बचाने से और नजर बचाने से भी। बहुत अच्छा। और ऐसे बहुत बच्चे अभी हमारे पास हैं जो किसी वजह से अगर एक आंख गंवा बैठे हैं लेट डायग्नोसिस की वजह से, तो उनकी दूसरी आंख में हम पूरी तरह से नजर बचा चुके हैं। और वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि उसमें हमें कीमोथेरेपी और लेजर थेरेपी को मिला के जो हम ट्रीटमेंट उसमें देते हैं, तो उसकी वजह से हमें पूरा सक्सेस मिलता है। पर उसमें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको उसके जो है वो शुरुआती लक्षण पकड़ने हैं। और आँख जो होती है ना, वो एक तरह का जैसे शरीर का आईना होता है, वो एक ऐसा अंग होता है कि अंदर क्या हो रहा है वो आपको बाहर से दिखता है। जैसे कुछ कैंसर्स में आपको अगर बुखार आ रहा है या कोई और लक्षण है, आप नहीं कह सकते कि ये क्यों है, लेकिन आँख ऐसे कि अगर आप एक लक्षण देखें कि आँख बच्चे की आँख के बीच में पुतली के अंदर एक सफ़ेद चमक दिख रही है, एक सफ़ेदी जिसको हम ल्यूकोकोरिया कह रहे हैं, बिल्ली ऐसी चमक, तो उसमें आप जो है वो ज़रूर कोई नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण कैंसर का ही है, बट रेटिनोब्लास्टोमा का ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, तो वो आप दिखाएं। और उस स्थिति में नेत्र विशेषज्ञ कुछ टेस्ट करेंगे और आपको बता सकते हैं कि ये लक्षण रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से है या और किसी वजह से। थैंक यू भावना। इसके ऊपर एक सवाल भी आया है, जो बात आपने कही है फेमिलियर पार्ट में कही, डॉक्टर मधुलिका ने भी कही, तो मेरे पास सवाल ये है कि क्या आर रेटिनोब्लास्टोमा के पेशेंट को, के माता पिता को और बच्चे करने चाहिए, फैमिली बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और काफ़ी लोग इसके बारे में चिंतित रहते हैं, पूछते भी हैं। तो दो तरह के म्यूटेशन होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा में, एक तो होता है जैसे जर्म लाइन म्यूटेशन और एक होता है सोमैटिक म्यूटेशन। तो अगर ये फैमिलीज में रन कर रहा है और जर्म लाइन म्यूटेशन यानी कि है, तो उसमें संभावना बढ़ जाती है कि ये आगे के बच्चों में भी होगा, तो हम इस तरह से काउंसलिंग करते हैं। और यदि ये सिर्फ एक ही आँख को प्रभावित करता है और फैमिली में नहीं रन करता है, तो हम एक ब्लड टेस्ट के जरिए, जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले बच्चे में क्या संभावना है। अगर संभावना होती भी है तो उसको अगर हम रोक नहीं भी सकते, क्योंकि प्रिवेंशन अभी रेटिनोब्लास्टोमा का नहीं है हमारे पास, तो हम एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड से, जैसे जब बच्चा पेट में ही होता है, गर्भ में होता है, तो हम एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें रेटिनोब्लास्टोमा का कोई लक्षण बच्चे की आँख में डेवलप कर रहा है कि नहीं, ताकि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो हम उसकी जल्दी स्क्रीनिंग करके, अगर शुरुआती स्टेज पे है तो हम उसको ट्रीट कर सकें। डॉक्टर मधुलिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ये भी एक और सवाल है कि अगर रेटिनोब्लास्टोमा का सर्वाइवल है बच्चा, वो क्या आगे अपने परिवार को बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये दूसरा अलग सवाल है। जैसा भी आपने सुना, रेटिनोब्लास्टोमा या तो एक आँख में हो सकता है या दोनों आँखों में हो सकता है। और फैमिली में अगर आपके पास कोई परिवार आया, एक ही बच्चा अफेक्टेड है या परिवार में भी इसकी हिस्ट्री, जैसे माता या पिता अफेक्टेड है या कोई और अफेक्टेड है, तो मोटे तौर पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक आंख में रेटिनोब्लास्टोमा है और पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोबारा होने का रिस्क बहुत कम है। और आमतौर से उस स्थिति में जो जेनेटिक टेस्ट की बात अभी हुई थी, वो हम आमतौर में ऑफर नहीं करते, क्योंकि वो वाला नुक्स मिलने का चांस बहुत कम है। पर अगर दोनों आँखों में रेटिनोब्लास्टोमा है और परिवार में भी हिस्ट्री है, तो अगले जनरेशन में, अगले बच्चे में दोबारा रेटिनोब्लास्टोमा होने का रिस्क 45% तक होता है। तो उस स्थिति में ये कोशिश की जाती है कि किस नुक्स की वजह से रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है उसको ढूंढा जाए। उसको ढूंढने के लिए कई तरह के जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं,
सारे इंडिया में उपलब्ध नहीं है, पर आज के जमाने में उनको अरेंज किया जा सकता है। तो उसमें पहले हमें जिस बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा है उसका टेस्ट करना पड़ता है, और अगर नुक्स मिल जाए तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उनको बताया जाता है कि जब प्रेगनेंसी है कितना रिस्क है, एक तो ये बताते हैं, और दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम टेस्ट किया जा सकता है। और जो जेनेटिक म्यूटेशन का टेस्ट करते हैं उसमें हम बच्चे का थोड़ा सा टिश्यू लेकर, जो बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा से थोड़ा सा टिश्यू लेकर या पानी जो बच्चे के चारों तरफ है उसको लेकर उसी जेनेटिक नुक्स के लिए देख सकते हैं, तो ये संभव है। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जल्दी डिटेक्ट करना है जैसा बताया। और दूसरा एक ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर पेरेंट्स दिखने में नॉर्मल है पर उनके एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है तो उनकी आंख की जांच की जाए ये देखने के लिए कि उनमें भी कोई छोटा ट्यूमर था या नहीं, क्योंकि कई बार ट्यूमर अपने आप रिग्रेस कर जाता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स में भी था तो अगले बच्चे में रिस्क बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स को स्क्रीन करना है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो जेनेटिक डिफेक्ट के लिए बच्चे को स्क्रीन करना है और फिर काउंसलिंग करके पेट के बच्चे में टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सविता सप्रा, आपके लिए अब सवाल है कि जब कैंसर का इलाज हो रहा है, किसी भी लंबी बीमारी का इलाज हो रहा है और पर्टिकुलरली कैंसर का हो रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्सिटी भी है और शंकाएं भी रहती हैं, तो उसको जो फैमिली में जो स्ट्रेस रहता है उसको हैंडल करने के लिए एज एक्सपर्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप हमें क्या एडवाइस है? जब बच्चे को कैंसर होता है तो उसकी पूरी जो है फैमिली जो है का डायनेमिक्स पूरा चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि खाली बच्चे और उसके पेरेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसके भाई बहनों के ऊपर भी सब पूरा जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसकी जो है उसमें उनकी वजह से उनमें बिहेवियर, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उनकी उन उस बिहेवियर में जैसे कि बच्चों में उनके जो भाई बहन हैं उनके में जो है बड़ा डर चिंता का हो जाता है, दे वो जो है लोनली अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गिल्ट फीलिंग होने लगती है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको जो है उसके बारे में जो है उनको किस तरह से उनकी जो है उनके उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, इमोशनल सपोर्ट कैसे देना है, सोशल सपोर्ट किस तरह से देना है, उनके बिहेवियर्स को कैसे मॉडिफाई करना है। सो ये वन टू वन बातचीत से ही निकलेगा मोस्टली जो है ये हम कई बार सॉरी सर मैंने कहा ये उनको आप ही से बात करनी पड़ेगी, हाँ कैसे कर सकते? उनको आगे हम ही से बात करनी पड़ती है, हम ही उनको बताते हैं कि किस तरह से, और फिर वो आगे जो है आगे अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, जहाँ भी उनकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है इवन हम बच्चों से भी उनके बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि ऐसी दशा में दूसरे की मदद की तरफ बढ़ने में कोई खराबी नहीं है, हमारे पास हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आसपास और भी इस तरह की हेल्प है, रिश्तेदारी में है, दोस्ती में है, ये सब बातचीत करने से रास्ता निकलता है, और यही कहा जाएगा कि उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हम सबको प्रोफेशन को भी और फैमिली और सोसाइटी को भी जुड़ के करके रास्ता निकालना है। अब मैं एक और सवाल डॉक्टर्स के परिप्रेक्ष्य से पूछूंगा, इसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर संदीप से, कि ये जो मुश्किल आती हैं फैमिली की, चाहे खर्चे की है, जो मेन इश्यूज हम देखते हैं इस बीमारी और इस तरह की बीमारी को टैकल करने में एज डॉक्टर, एज सीनियर डॉक्टर, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे परिवारों को कि हमारी एक्सपेक्टेशन और उनकी एक्सपेक्टेशन में मेल कहाँ पे आ सकता है? सो व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस, हाउ कैन वी हेल्प देम एज यू नो सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर टीम लीडर्स, इसके बारे में डॉक्टर संदीप पहले आप कहेंगे कुछ और फिर डॉक्टर मनोज आप कैसे टैकल करते हो? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मेन प्रॉब्लम पेशेंट की तरफ से आता है कि वो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम, कैसे आएंगे, खर्चे कैसे होंगे, कहाँ रहेंगे, इलाज कैसे कराएंगे। डॉक्टर्स की तरफ से मेन प्रॉब्लम होती है कि हम कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। खर्चे पे तो बार बार बात आ रही है, हाँ। कि एक CPAA है यहाँ पे, एक एनकिट है, खर्चा तो सॉर्ट आउट हो गया, काफी हद तक अब सॉर्ट आउट हो जाता है, हो गया है। बट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे सेंटर्स हैं बहुत कम है और उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। पेशेंट्स और पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज आए तो आज ही आपका इलाज शुरू हो जाए, एडमिशन हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसको टैकल कैसे करते हैं कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, जैसे विम्स ट्यूमर है उसे हमें पता है कि जब आज इलाज शुरू होगा तो 5 हफ्ते बाद उसकी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम अभी से डेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उससे कुछ आसान आता है। मगर फिर भी हम लोग बहुत मुश्किल में है कि सब पेशेंट्स को नहीं इलाज दे पाते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे सहायक हॉस्पिटल होते हैं या हमारे यहाँ से पढ़ के लोग और दूसरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, हम उनके पास भेज देते हैं कि आप इनका इलाज आप यहाँ तक करिए फिर हमारे पास वापस आइए। तो वो जो है एक काइंड ऑफ सब मिल के करते हैं इलाज,
तो ये हम लोग की मेन मुश्किल ये है कि हमारे को जो है बेड एडमिशन प्रॉब्लम, ऑपरेशन का टाइम, ये सब रेडिएशन का, और ये भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उनको भी समझना चाहिए कि हम कोशिश करने के बावजूद भी कुछ कंस्ट्रेंट रहते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपके हॉस्पिटल में भी समस्याएं इसी तरह की महसूस होती हैं? सर, इन समस्याओं का समाधान सबसे पहली चीज़ ये है कि पेशेंट का जब इलाज शुरू हुआ है तो उसको संपूर्ण होना चाहिए। उसकी संपूर्णता इसलिए नहीं हो पाती है कि पेशेंट आता नहीं है। पेशेंट नहीं आता है वो उसकी जिम्मेदारी पर हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम पेशेंट रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं, फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप के बारे में लोग बहुत गंभीर नहीं हैं, ना तो हमारा प्रोफेशन गंभीर है ना पेशेंट गंभीर है। और क्यों ऐसा होता है कि हम एक पेशेंट का एक एड्रेस लिख देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो संस्तुतियाँ की हैं, रिकमेंडेशन की हैं, वो भारत से ही गई हैं, जहाँ एक संस्था में 6 एड्रेस लिए जाते हैं, पेशेंट, पेशेंट का रिश्तेदार, पेशेंट के काम करने वाली जगह, मतलब माता पिता के काम करने वाली जगह, दोस्त और गांव और ग्राम प्रधान। तो उनका यदि रिकॉर्ड होता है, और हमारे पास अब सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे यदि पेशेंट फॉलोअप के लिए जिस तारीख को उसको बुलाया गया इलाज के लिए वो नहीं आता है, तो हम उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, वो हमें करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, रेलवे पास है, हवाई जहाज का पास है, बस का पास है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़े से ढीले हैं, यद्यपि हम लोग रेलवे पास देते हैं, परंतु उसकी बड़ी आवश्यकता है। चौथी चीज़, पेशेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे, आप ये किताबें देख रहे हैं, हमें मरीज की भाषा में उनको पूर्ण समाचार देना है, डूज एंड डोंट्स, और कब आना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना, जैसे इन किताबों में दिया हुआ है। पर ये सिर्फ पढ़ने वालों तक सीमित है। हमारे अधिकांश मरीज जो है, बहुत सारे मरीज पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऑडियो विजुअल फैसिलिटी का अरेंज करना होता है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि माँ बाप से ये कहूँगा कि सास बहू के सीरियल्स का TRP बढ़ाने के बदले आप दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्राइवेट चैनल में बार 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 आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमें हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स दिखाओ, हमें बच्चों के कैंसर से रिलेटेड प्रोग्राम दिखाओ, हमारे स्वास्थ्य के प्रोग्राम दिखाओ, हमें जानकारी दो जिससे हम जल्दी से जल्दी आ जाएं। और लास्ट में सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जाए स्कूल हेल्थ चेकअप की। स्कूल हेल्थ चेकअप के पिता मैं यही दिल्ली में रहते हैं, प्रोफेसर KN अग्रवाल, जो उन्होंने 60 के दशक में स्कूल हेल्थ चेकअप किया था। Hello. और जब स्कूल हेल्थ चेकअप होगा बच्चों का, तो बहुत सारे कैंसर शुरुआती हालत में पकड़े जाएंगे और उनका इलाज कठिन ना होके सरल हो सकेगा, महंगा ना होके सस्ता हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। वो पूछ रहे हैं कि क्यों होता है क्यों लिम्फोमा में जो सेल्स हैं वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो आई लास्ट डॉक्टर रचना, ये क्या क्यों हो जाता है? इसका जवाब थोड़ा सा तो मिला, ये है कि थोड़ा जेनेटिक कॉज है, इतना सा मामूली सा, ये तो समझ आ गई हमें, लेकिन जिज्ञासा रहती है कि क्यों है ये सब। माइक, इसका जवाब बहुत, ये प्रश्न हम सबको बहुत परेशान करता है, लेकिन आसान, इसका जवाब बहुत ही सरल है। बच्चों में खासकर, जो कि एडल्ट कैंसर में ऐसा नहीं है, बच्चों में खास करके ये है कि बाल कैंसर का कारण नहीं पता है, बस कुछ रिस्क फैक्टर्स हमने पहचाने गए हैं, जैसे कि कोई जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई बनावटी दिक्कत हो गई, तो फिर भी कोई, जैसे डाउन सिंड्रोम है, बनावटी दिक्कत है, उसमें कोई कैंसर हो गया। उसके अलावा बच्चों में होने वाले कैंसर का किसी का कारण नहीं पता है, सिवाय रेटिनोब्लास्टोमा को छोड़ के, जो हम फिर भी कह सकते हैं कि कोई जेनेटिक कारण है, परिवार में रन करेगा, कुछ रिस्क बता सकते हैं, अदरवाइज हम खास करके बच्चों में कैंसर, किसी भी कैंसर का कोई कारण नहीं बता सकते, सिवाय सिर्फ एक और स्थिति हो सकती है कि हमने एक कैंसर के लिए इलाज किया हो, लेकिन उससे जो हमने ट्रीटमेंट दिया हो उसके कारण से एक और कैंसर हो सकता है, तो वो एक स्थिति हो सकती है, अदरवाइज कभी भी किसी भी बाल कैंसर का हम लोग कारण नहीं बता। दो सवाल है लिम्फोमा पे स्पेसिफिकली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लिम्फोमा का कैंसर भी नहीं मालूम हमें? यही जवाब है सारे कैंसर, बाल कैंसर के। ओके, ये एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ब्लड का कैंसर 100% कितने % ट्रीटेबल है, 100% क्योर हो जाता है या फिर कुछ कम होता है, इसके बारे में आप बताएंगे प्लीज? ALL का क्या क्योर रेट मोलेंगे, 90%?
90% 90% तो बिल्कुल क्योर हो सकता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया अगर इलाज सही तरीके से चलता रहे और रिलैप्स नहीं हो. फर्स्ट टाइम जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम कहते हैं कि 90% तक बच्चे का इलाज संपूर्ण हो सकता है अगर वो ठीक तरीके से चलता रहे. डॉक्टर संदीप, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस जो कैंसर का है, क्योंकि अर्ली करेंगे तो इलाज होगा, टाइमली इलाज होगा, पूरा इलाज होगा, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे अर्ली डायग्नोसिस के बारे में? हमारा एज डॉक्टर क्या एडवाइस है? ये कहना तो एक लाइन में आसान है, क्या सिम्टम्स आए, क्या चीज को कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए आप लोग को, माता पिताओं को भी, और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स पीडियाट्रिशियंस ये लोग हैं, जिससे शक होता है कि कैंसर तो नहीं है. एक ये भावना है लोगों के मन में कि बच्चों में कैंसर नहीं होता है, बड़ों में होता है कैंसर, मगर ये सच नहीं है. सब देख रहे हैं बच्चों में भी कैंसर होता है. तो जो शरीर में कहीं गांठ है, बहुत लंबे दौरे की बुखार चल रहा है, खून बहुत कम है, या खून का प्रसाव इधर उधर से हो रहा है, ये सब लक्षण होते हैं. हड्डियों में दर्द है तो ये सस्पेक्ट होते हैं. तो इसमें हमारा हरदम ये रहता है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बोलते हैं कि पहले कैंसर को रूल आउट करो. कैंसर तो नहीं है, कुछ उसकी जांचें होती हैं और करा के देखी जा सकती है कि कैंसर तो नहीं है, तभी जल्दी पकड़ में आएगा. अब ये क्या होता है कि पेट में गांठ है, बच्चे डॉक्टर के पास जा रहा है, वो सोच रहा है कि अच्छा ये है एंटीबायोटिक दे दो, मगर वो कैंसर नहीं सोच रहा, तो इसमें डिले होता है. तो पहले सोचना चाहिए कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि उसका इलाज जल्दी शुरू करना और जल्दी करना और ठीक तरह से करना बहुत जरूरी है. तो आपने कहा कि एक गांठ का होना, एक खून की कमी हो जाना, खून की कमी, बुखार जो नहीं ठीक हो रहा है, बुखार जो नहीं ठीक हो रहा है, आंख में जैसे बताया होना, आंखों में जैसे चेंज आया है, आंखों में चेंज आया है, हड्डियों में दर्द होना. डॉक्टर शर्मा ऐड करेंगे इसमें कुछ और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर मुझे लगता है जो अभिभावक है उन्हें बहुत जागृत होने की जरूरत है. बच्चे बड़े एनर्जेटिक और खेल कूद करने वाले होते हैं, पर कभी बच्चा एकदम खा नहीं रहा है, शांत बैठा है, दूसरे बच्चों के साथ जाके खेल नहीं रहा है, उसका शरीर गर्म हो रहा है. सर ने बताया मंजन करते वक्त मसूड़ों से रिसाव या सीने की हड्डी में दर्द, गले में गांठ निकलना, चोट लग गई तो उनका साहब सूजन थी, पैर की हड्डी की सूजन थी, चोट लग गई थी, ध्यान नहीं दिया, वो वहाँ पे पता चला हड्डी का कैंसर या मांसपेशियों का कैंसर डेवलप हो रहा है. इस तरह से ये लक्षणों के बारे में अभिभावकों को जागृत होना बहुत जरूरी है, और वो तभी संभव है जब वो इसकी जानकारी प्राप्त करने में रुचि लेंगे. थैंक यू. मेरे पास दो सवाल है LCH के बारे में. डॉक्टर रचना, कोई भाग बढ़ जाता है ऐसा क्यों होता है, और 5 साल तक इलाज हो जाए तो क्या बंद कर सकते हैं इलाज के बाद? LCH कैंसर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज. LCH जिसको जो लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस है उसको हम कैंसर समान बीमारी कहते हैं. पहले तो आप लोग ये मानिए, वो बिल्कुल हम लोग 100% नहीं मान सकते कि वो कैंसर है. कैंसर समान एक बीमारी है जिसका इलाज कैंसर की दवाइयों से होता है, और वो ठीक होने की बहुत चांसेस रखता है. बहुत हल्की कीमोथेरेपी से भी उसका इलाज हो जाता है, और हम पूरे टाइम हमारे पास यहाँ पर नहीं रखते, थोड़ा 1-2 महीने इलाज करके फिर भेज देते हैं, बुला के इलाज कर लेते हैं. तो बहुत साधारण तरीके से उसका इलाज हो जाता है. लगभग उसमें एटलीस्ट 12 महीने लगते हैं, और उसको ठीक होने की जैसा हमने ALL के लिए क्या 90% 95% का चांस होता है कि वो ठीक हो जाए. कभी कभी दोबारा आ जाता है, लेकिन हम फिर उसे उसी परसेंटेज में ठीक कर पाते हैं. ओके. एक सवाल पूछा जा रहा है न्यूरोब्लास्टोमा पे, उसके कीमोथेरेपी के बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं. न्यूरोब्लास्टोमा अनफॉर्चुनेटली जो है एक ऐसा कैंसर है, बाल कैंसर है, जिसका अभी भी इलाज बहुत अच्छा नहीं है. मतलब न्यूरोब्लास्टोमा का सारे न्यूरोब्लास्टोमा ले लें 30-40% जो है उसमें सर्वाइवल रेट है. अगर स्टेज 4 न्यूरोब्लास्टोमा है उसमें 10-15% सर्वाइवल सब कुछ करने के बावजूद. तो ये कैंसर है जो कि इसमें बहुत अनुसंधान चल रहा है, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, बट अभी भी हमें उस पर जीत हासिल नहीं हुई है. और इसीलिए जो कैंसर इस तरह का होता है उसमें फिर उसका इलाज भी बहुत एग्रेसिव होता है. उसमें हम ट्राई करते हैं बहुत तेज दवाइयाँ देने के लिए, इसीलिए उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं. सो बेयर विद इट, उम्मीद है. तो इसीलिए और ये बच्चा हो सकता है उसी 40% में हो जो ठीक होने वाला है. इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोब्लास्टोमा कुछ प्रतिशत में ऐसा होता है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है और बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है. तो इसीलिए इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है. थैंक यू. एक बताया गया कि 2011 में इलाज हो गया था, अभी भी उल्टी दस्त होता है,
इसके लिए कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन आपको फॉलो अप के लिए बुलाया गया है आप आइए और उसकी भी बात की चर्चा करिए अपने डॉक्टर साहब से। व्हाट डू यू थिंक क्लिनिकल रिसर्च हेल्प इन ट्रायल ऑफ कैंसर ट्रीटिंग कैंसर? अभी डॉक्टर बख्शी ने कहा आपको कि कैंसर के इलाज का एडवांस आगे बढ़ना वो कैसे संभव होगा? रिसर्च से ही तो संभव होगा, शोध से ही तो संभव होगा। आज जो दवाइयां बनी हैं उनको कभी तो टेस्ट किया होगा 20 साल पहले कहीं पे, तो शोध जरूरी है। और एक काम जो एम्स साथ साथ करते हैं इलाज के अलावा वो शोध भी करते हैं और नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। सर इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, करिए, इसमें ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, इसमें फॉलोअप का बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। बिकॉज जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो सर्वाइवर होते हैं उनको फॉलोअप करते हैं तो पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, तो हमें पता चलता है कि हम ऐसा करा था हमने पहले 10 साल पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए अब हमें ऐसा नहीं करना। इसीलिए फॉलोअप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे आपके बच्चों को करना है अनुसंधान और फॉलोअप उसमें योगदान चाहिए ताकि हम जो कर रहे हैं वो सीखें उससे और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शर्मा, क्या कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है बच्चों के? हॉस्पिटल्स की वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही थी, उसका प्रमुख कारण ये है कि जनसंख्या के विस्फोट के साथ कैंसर मरीजों का विस्फोट हुआ है और उस हिसाब से उतने अस्पताल हमारे पास, हमें एकदम अचानक से वी आर टेकन बाय सरप्राइज एक्चुअली, तो वो है। दूसरी चीज़ जानकारी के कारण भी हमारे पास मरीज अब ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कैंसर नियंत्रण प्रकोष्ठ के सलाहकार के रूप में हमने खूब कस के कैंसर वो किया, तो एक बहुत ही विशिष्ट कैंसर विशेषज्ञ थी, उन्होंने कहा शर्मा जी अब तो बंद करो, मेरे ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट 3 महीने की बढ़ गई है। तो यदि हम प्रचार करेंगे तो मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे इंगित करने वाले कारण हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पॉल्यूशन भी है, बच्चों में तंबाकू का उपयोग भी है, और अभिभावकों में कुछ इस प्रकार के अनुवांशिक यानी जीन्स में होने वाले परिवर्तन हैं जिनके कारण आने वाली पीढ़ी में कुछ नए प्रकार के कैंसरों की संभावना है। और उसमें जो एक समय प्रयोग का विषय चल रहा है, ध्यान से सुनिए, वो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना है। स्वच्छंद जीवन, स्वच्छ जीवन, अच्छा भोजन और स्वस्थ जीवन यापन शैली को हम अख्तियार करें, जिससे यदि कारण हो भी तो उनसे बचा जा सके। थैंक यू डॉक्टर भावना, एक सवाल है। थैंक यू, वेल सेड। आई में किस पार्ट में रेटिनोब्लास्टोमा होता है, इसका सवाल का स्पेसिफिक जवाब देंगे आप? आई के किस पार्ट में? अच्छा, तो रेटिनोब्लास्टोमा जैसे कि नाम है उसका, रेटिना जो आँख का पर्दा जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ से शुरू होता है और वो आँख के पर्दे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी आँख में बढ़ के पहुँच जाता है। तो शुरू जो कई बार ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत लोग पूछते ना कि रेटिनोब्लास्टोमा में आप हमारे आँख का ऑपरेशन कर देंगे, आँख निकाल देंगे हमारे बच्चे की, तो बाद में इसमें दूसरी आँख लग सकती है क्या? क्योंकि आई डोनेशन के बारे में लोगों ने इतना सुना है कि भाई लोग डोनेट करते हैं मरने के बाद, तो हमारे बच्चे में दूसरी आँख लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आँख का ऑपरेशन हम करते हैं तो रेटिनोब्लास्टोमा के लिए हम जब ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ट्यूमर निकाल दें या सिर्फ आँख के पीछे का हिस्सा निकाल दें, हमें पूरी की पूरी आँख और साथ में आँख के पीछे जो नस है जो आँख से लेके ब्रेन तक जाती है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा निकालना पड़ता है ताकि ये ट्यूमर आगे जो है वो दोबारा ना हो। तो इस वजह से हम काउंसिल ये करते हैं कि देखिए आँख तो जाएगी लेकिन ये आँख बेकार है, इसमें कोई रोशनी नहीं है, इसमें कैंसर है, अगर इसको छोड़ देंगे तो इससे आपके आगे जो है वो बच्चे के लिए ये रिस्क रहेगा, जान को खतरा रहेगा, तो इसलिए इसकी आँख निकलवा दीजिए। और आगे जाके जो है वो इसमें कभी असली आँख नहीं लग पाएगी, एक नकली आँख जो कि प्रोस्थेटिक आई जिसको हम बोलते हैं वो हम लगाते हैं और दूसरी आँख से बच्चे को अपना काम चलाना होगा। एक व्यक्ति को ग्लूकोमा है, उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, फिर कज़न को कोई इंटेस्टाइनल कैंसर है। डॉक्टर मधुलिका, ये तो को रैंडम है, इसमें कोई फैमिली वाली बात फैमिलियर नहीं, और किसी ने कहा कि निस्टैग्मस जो है वो ब्रेन ट्यूमर में होता है, उसका सवाल जवाब है कि यस, हो सकता है निस्टैग्मस ब्रेन ट्यूमर का एक सिम्टम हो सकता है। एक बात बोलना चाहूँगी, ऐसे कुछ परिवार हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला जिसमें अलग अलग तरह के ट्यूमर्स की या कैंसर्स की हिस्ट्री मिलती है, पर उनमें से कुछ ग्रुप्स को छोड़ के अभी क्लियर नहीं है कि उसका जेनेटिक बेसिस क्या है।
और हो सकता है रिश्ता ना भी हो, जैसे मैंने कहा ग्लॉकोमा से तो ट्यूमर तक हो रिश्ता है। डॉक्टर पाथी, इज देयर अ रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यून बूस्टर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ खास? चाइल्ड कैंसर में तो कुछ खास नहीं है, अभी तो नहीं है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड कैंसर, दो नॉट रिलेटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनोथेरेपी, दैट अपार्ट फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स जो हम रेडिएशन के लिए ज़्यादातर लोगों के मन में जो भय है, हमें ये समझना है जो मल्टी मोडालिटी यानी कि दो तीन डिपार्टमेंट मिलकर जो कैंसर के इलाज करते हैं, तो हमारे कुछ टॉक्सिसिटी भी कॉमन होते हैं। जो साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी से होते हैं वो साइड इफेक्ट्स रेडियोथेरेपी से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो, या तो रेडिएशन थेरेपी से उसी जगह पर होगा, यानी कि साइड स्पेसिफिक होती है। तो कुछ चीज़ें हमें ये ध्यान में रखना है, जो टॉक्सिसिटी होती है वो एंडोक्राइन और नॉन एंडोक्राइन होती है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से, हार्मोनल, क्योंकि हार्मोन की जो हमारे सर्वाइवर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे आते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ये हार्मोनल ऐसे यानी कि एक एंडोक्रिनोलॉजी इवेल्युएशन करानी चाहिए फॉर सर्वाइवर्स, और अगर सही समय पर ये पकड़ आ जाए तो इट इज़ ईजियर टू ट्रीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के, उसमें हॉर्मोन्स जो बनाते हैं हमारे बॉडी में ना ऑर्गन छोटे छोटे, वो उनको कभी डैमेज हो तो उन हॉर्मोन्स की कमी हो जाती है। मान लो कि थायराइड के हॉर्मोन की कमी हो जाती है, तो उसको जांच कर लेंगे तो ऊपर से थायराइड का हॉर्मोन देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका मैसेज है, थैंक यू। एक सवाल पूछा जा रहा है कि CML शरीर के किस अंग में होता है? ये ब्लड का कैंसर है, CML जो पूछा गया है। एक सवाल है कि AML ज्यादा खतरनाक कहा गया लेकिन उसका ट्रीटमेंट छोटा है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जो AML है उसका इलाज छोटा है, करीब 4 से 6 महीने है, और ALL का इलाज है ढाई से कम से कम 2 से 2.5 साल। ALL का इलाज इसलिए लंबा है क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं जल्दी तो बीमारी बहुत जल्दी वापस आ जाती है, और जो हमें ट्रीट करना होता है वो बोन मैरो जहाँ से उत्पन्न होता है, और दिमाग को भी देखना पड़ता है जहाँ वापस आ सकते हैं, कभी कभी जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे भी वापस आ जाती है, तो कई जगह है जहाँ बीमारी वापस आ सकती है। तो हम एक तो ये होता है कि इसलिए हमें लंबा इलाज करना पड़ता है। AML हमें प्राइमरीली बोन मैरो में करना होता है, अगर एक बार ही रिस्पॉन्स आ जाए तो वो सस्टेन हो सकता है, और ये देखा गया है ये तो कई रिसर्च के बाद पाया गया है कि कौन सा बीमारी कितने टाइम के लिए उसकी इलाज की ज़रूरी है। तो ALL में ये पाया गया कि अगर हमने जल्दी कर दिया, जल्दी छोड़ दिया, तो बीमारी जल्दी वापस आ जाती है एज़ कम्पेयर टू AML। और दूसरी तरफ AML को ट्रीट करना मुश्किल है, दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू ALL। मेरे पास दो सवाल हैं अर्ली डिटेक्शन के और अर्ली साइंस के, उनका हमने जवाब दे दिया है अच्छी तरह से। एक बार फिर पूछा जा रहा है दो लोगों के द्वारा कि ALL में ट्रीटमेंट होने के बाद क्या क्योर किसको बोलेंगे, तो डॉक्टर बख्शी ने शुरू में बताया कि 5 साल के फॉलोअप में कोई रेकरेंस नहीं होगा तो हम कहेंगे बिल्कुल अब क्योर हो गया है, अब हम पूरे नॉर्मल हो गए हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, मेरा बेटा है उसको हॉस्किन है, इलाज पूरा हो चुका है और 6 महीने से ठीक है। डॉक्टर रचना इनके बारे में क्या कहेंगे? 6 महीने से ठीक है, हॉजकिन पूरा इलाज कर लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने से ठीक है। तो अभी हम यही उम्मीद करेंगे कि आपका बच्चा ठीक रहेगा, और हॉजकिन एक ऐसा ट्यूमर है, गिल्टी का ट्यूमर है, जो पहले बार बार हम लोग बता रहे हैं, और अगर उम्मीद करते हैं कि ये सर्वाइव करेगा और ये सर्वाइवरशिप में ही इसका पीरियड टाइम रहेगा, लेकिन अगर कभी किसी कारणवश ये बीमारी वापस आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि 1 साल तक एक संभावना रहती है वापस आने की, तो हॉजकिंस लिम्फोमा एक ऐसा ट्यूमर है जिसको हम दोबारा भी इलाज करेंगे तो उसका हम बहुत अच्छे से दोबारा भी इलाज कर सकते हैं। पर 6 महीने निकल गए मतलब कि काफ़ी आपने क्रिटिकल पीरियड पास कर लिया, और अगर साल निकल गया और फिर 5 साल निकल गए तो हम कह देंगे कि बिल्कुल क्योर हो गया उस ट्यूमर से। क्या ब्लड कैंसर से बचा जा सकता है? बचा नहीं जा सकता, सीधा जवाब दीजिए नहीं ना, जो होना है तो होना ही है, इसके बारे में कुछ है नहीं। तो डॉक्टर शर्मा ये तो नहीं कह सकते हम एज डॉक्टर या इतने एक्सपर्ट कि बचा जाए। मुझे लगता है इसकी जानकारी हो के और शुरुआती लक्षण होते ही आप आ जाएं तो शायद बच जाते हैं, फिर तो बच ही जाते हैं, वो तो इलाज करके बचेंगे, लेकिन ये बोले कि हो ही ना आज ऐसा नहीं है। वैक्सीन है जैसे
कि भाई टेटनस हो ही ना, हम टीका लगा रहे, ऐसा संभव आज नहीं है, हो सका कि संभव हो जाए फ्यूचर में। सर एक पॉइंट मैं इसमें यही कहना चाहता था कि बच्चों की पीठ पे बड़े भारी भारी बस्ते और ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले बच्चे जो खेल पाते हैं ना, कूद पाते हैं ना, व्यायाम कर पाते हैं, तो उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता या रोग क्षमता कम होगी तो कोई भी रोग उनके ऊपर आएगा। नॉर्मल लाइफ नेचर के साथ घुल मिल के होनी चाहिए। डॉक्टर पाथी एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि रेडिएशन में पिछके बाल तो गिर जाते हैं, किसके नहीं, किसी के नहीं गिर, तो जिनके बाल नहीं उतरे तो क्या वो लेस इफेक्टिव है ट्रीटमेंट या कीमो के द्वारा? ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएश्योर कर दीजिएगा इधर। रेडिएशन का असर जो है वो ट्यूमर के ऊपर हम लक्ष्य करके करते हैं और उसका असर हम वहीं देखते हैं, बालों का कम गिरना या ज्यादा बचना किसी से नहीं नापते। एक मिस्टर गौतम पूछ रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर था इनकी बेटी को और रेडियोथेरेपी से इलाज हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही है ये कौन सा ट्यूमर है। इविंग सार्कोमा। हां ओके, तो अब वो ट्रीट हो गया है 2007 से, तो अब फिर भी रेगुलर फॉलोअप और चेकअप के लिए आना चाहिए उनको, ताकि बीमारी अगर मान लीजिए लोकली कंट्रोल है और कहीं दूसरी जगह फैली हुई हो उसको सही समय पे हम जांच ले और उसका सही इलाज कर पाए। एक और है, उन्होंने भी